जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आप सबको ये रमज़ान मुबारक, अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से हमारी तमाम परेशानियां दूर करे और ये जो वबा मुल्क पाकिस्तान में आई है जिससे बहुत ही तबाही फैलाई हुई है, अल्लाह ताला इसे निजात अता फरमाए और इंशाल्लाह ताला रमज़ान के सदक़े रमज़ान के अंदर ही ये वबा ख़त्म हो जाए और हम ईद के बाद दोबारा अपने स्कूल को और अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, करना लास्ट टाइम हमारा लेक्चर था 4.2 के ऊपर, सॉरी 4.1 के ऊपर। आज हम 4.2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप लोग फार्मूलाज को ग्रुप ग्रिप कर लेना, ताकि आप लोगों, क्योंकि पहले आपने पढ़े हुए हैं इसलिए मैंने कहा था फार्मूला एक दफ़ा रिवाइज करना आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी, अब आज 4.2 करनी है हम लोगों ने। 4.1 सारी कंप्लीट हो गई थी। नहीं जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, यानी फार्मूला याद रखिएगा बस, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर बी स्केयर। अब हमें ना फार्मूला कैसे पता लगेगा किसमें क्या लगना, जो डाटा गिवन होता है ना हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बताता है कि ये किस फार्मूले में आएंगे। तीन चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें हमारे पास होती हैं, वो बताती है फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना, एक दो और ये तीन। एक वो वैल्यू जो पूछी गई है, दो वो जो बताई गई है। अब ये किसमें आते हैं और ये दोनों इकट्ठे किसमें आते हैं, वो फार्मूला याद करना। वो फार्मूला था 2 into a square plus b square is equal to a plus b का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, तो फार्मूला पुट गया, वैल्यू उसके अंदर पुट गई, ए प्लस बी की जगह 10, 6 की जगह ए माइनस बी की जगह 6, ये 100 आया और ये 36, 136 आ गया। और 2 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ उसने पूछा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो 2 वहां जाके डिवाइड, तो 68 आंसर है। ठीक है जी, इसी से मिलता जुलता फार्मूला है। और वो सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 का स्केयर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो 4ab का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर। ये चारों तीनों टर्म्स जो है ए की फार्मूले में आ रही है, इसलिए फार्मूला अप्लाई करें। ए प्लस बी का स्केयर क्या होगा बेटे, 5 का स्केयर, तो ये आ गया 25। 17 का स्केयर रूट है, तो उसका स्केयर होगा, तो 17 अकेला आएगा, होगा स्केयर रूट से कैंसिल होते, 25 माइनस 17 8 आ गया। ए बी चाहिए था 4, यहाँ डिवाइड, दैट गिव्स 2 आंसर। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है जी ये, इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड ए बी बी सी सी ए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ फार्मूला जो है, यहाँ भी तीन टर्म्स दी हुई हैं। अब ये तीन टर्म्स इकट्ठी कहाँ आती हैं वो देखते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है जी, तो अब ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये देखें हमने स्क्वेयरिंग यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर अप्लाई किया इज इक्वल टू -1 का होल स्केयर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये टू ए लिखा हुआ लेकिन 2bc है ये, प्लस 2ca इज इक्वल टू 1, -1 का स्केयर 1 आया। अच्छा जी, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 45। यहां से हमने क्या लिया, 2 कॉमन, क्योंकि ए बी बी सी सी ए के साथ 2 नहीं चाहिए, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 45 वहां जाके माइनस 44 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट गिव्स -22। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो -22 के इक्वल है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला वही है लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स है वो तब्दील हुए, यानी एम एन पी, इसमें फार्मूले का वही होगा। याद रखें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर उनको सिखाया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca, तो बच्चों को जब उन्हीं जगह पर उसी वो तो स्टैंडर्ड है ना जी, उसी जगह पर कोई और नंबर आया तो बच्चे परेशान होंगे इसका फार्मूला क्या होगा। बेटे फार्मूला तो वही होगा, हाँ टर्म्स चेंज हो जाए लेकिन उनके साथ सलूक वही होगा जो हम स्टैंडर्ड फार्मूले में करते हैं। ठीक है, इस तरह इसमें देखें हम प्रैक्टिस करेंगे। m प्लस एन प्लस पी
इसका होल स्केयर लिया, यानी वो 10 का होल भी सा स्केयर आएगा क्योंकि m प्लस n प्लस c p जो है वो 10 के इक्वल है, दोनों साइड पे स्केयर लिया, इसका फार्मूला हो गया a। अब मैं आपको उसी स्टैंडर्ड में बोल के बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। यानी m प्लस n प्लस p का होल स्केयर बराबर होता है m स्केयर यानी a स्केयर प्लस n स्केयर यानी b स्केयर प्लस p स्केयर यानी c स्केयर प्लस 2mn यानी 2ab 2nb 2bc और 2mb 2ac। फार्मूला वही है लेकिन हमने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, टर्म चेंज हो गई, और 10 का स्केयर 100, बट इसकी वैल्यू हमें पता है mn nb p mb की, तो 2 कॉमन ले लिया, 27 उनकी जगह लिख दिया, और ये 27 654 हो गया 2 से मल्टीप्लाई होके, तो 54 वहां जाके माइनस, दैट गिव्स 46। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आंसर आ गया 46। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सेम एज इट इज, ठीक है जी। x प्लस y स्क्वायर x प्लस, अब यहां x प्लस y आ गया प्लस y z आ गया, यहां भी वही फार्मूला ओपन किया। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी वो x स्क्वायर y स्क्वायर की थी और xy y z z स्क्वायर dx की, 2 कॉमन ले लिया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास आया जी 196। हमने निकालना है x प्लस y प्लस z, ये वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन उसके ऊपर स्केयर है तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आएगा जी a प्लस माइनस 14, क्योंकि जब स्केयर रूट अप्लाई करते हैं तो वो दो पॉसिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी प्लस माइनस। उसके बाद जी हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, भी वो सेम है क्वेश्चन नंबर 6, ये डिफरेंट है। अब आ गए जी, हम स्केयर के फार्मूले कर लिए हम लोगों ने, अब हम कर रहे हैं क्यूब के फार्मूले, ठीक है जी। x plus y is equal to 7 and x y is equal to 12, then find x cube y cube। अब देख रहा है ये कि ये दोनों टर्म्स, तीनों टर्म्स एक जगह कैसे आती हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, x plus y is equal to 7 का होल क्यूब लिया, That gives x cube, y cubes, x y, x plus y is equal। यानी जो तीनों टर्म्स गिवन थी वो तीनों टर्म्स इस फार्मूले के अंदर मौजूद हैं। 7 का क्यूब क्या आया 343। वैल्यूज पुट की x y की जगह x plus 1 की, y की जगह उसकी जगह, तो हमारे पास आ गया 252। 252 वहां जाके माइनस, तो x cube, y cube की वैल्यू आ गई 91। बच्चे यहाँ कहते हैं सर x cube, y cube तो एक जगह और आता है, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब का भी फार्मूला होता है ना जी, वो होता है x प्लस y इंटू x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर। बेटे उसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, वो लेंथी हो जाएगा, ये आसान है इस्तेमाल, वो भी हो सकता है, आंसर उससे भी सेम आएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई फर्क नहीं है लेकिन टर्म्स का फर्क है। यहाँ 3x plus 4y is equal to 11 and xy is equal to 12, then find the value of 27x cube plus 64y cube। देखिए भाई, जिस जो कोफिशियंट के साथ, जो वेरिएबल के साथ कोफिशियंट होगा, अगर उसका भी क्यूब अप्लाई करेंगे तो बेटे वो जारी हुआ था, उसका भी वो भी उसका भी क्यूब लिया जाएगा, यानी x का 3x का क्यूब लेंगे तो वो 27x क्यूब ही आएगा ना, लेकिन फार्मूला वही अप्लाई होना, कैसे, 3x प्लस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब, इसका क्यूब लिया a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab into a plus b, तो इसका क्यूब क्या बना 27x क्यूब 64y क्यूब, ठीक है। उसके बाद 3 3 3 9 9 4 36, ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ 3xy लिख देते हैं, यानी 3 into xy, नहीं बेटे यहाँ x 3x की शक्ल में है और y 4x की शक्ल में है, तो वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई होकर 36 आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट की और 4752 आया, वो वहां जाके माइनस, दैट गिव्स 3421। इसी तरह माइनस का क्वेश्चन है दो, जिसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक डिफरेंट वैल्यूज के साथ है। अब 10 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये प्लस माइनस में सिर्फ माइनस प्लस का ही फर्क है बेटे, और फार्मूले में कोई फर्क नहीं है साइन के अलावा, इसलिए मैंने वो कहा आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जी, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। सिंपल, एक वैल्यू गिवन, हम इसका क्यूब ले लेंगे क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, दोनों साइड पे क्यूब लिया, हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3x * 1 ओवर x x + 1 ओवर x, यानी क्या खुला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x, 3ab into a plus b is equal to a plus b का whole cube। तो 3 का cube 27 आया, ये x x से cancel हो जाएगा क्योंकि inverse है, ये इससे cancel हो गया, इसका multiplicative inverse cancel हो गया, 3x plus 1 और x की जगह 3 put करेंगे, ये 9 हो गया, 9 वहां जाके 27 में से minus, तो 18 answer आ गया, ठीक है जी बेटे। तो अब हमारे पास यहाँ minus वाला question है, ये आपने खुद practice करना है, sign का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब आ गया जी
क्वेश्चन वही है लेकिन टर्म्स डिफरेंट है, यानी यहाँ x प्लस वन ओवर x था, वहां 3x प्लस वन ओवर x है, तो कोई फर्क नहीं, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करेंगे, हमारे पास आता है एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 1 ओवर 3x क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 ओवर 3x, 3x प्लस 1 ओवर 3x, ये 3x 3x से कैंसिल, 3 इंटू 3x प्लस 1 ओवर 3x, ये 27 है का x क्यूब, 1 ओवर 27 है x का क्यूब, और यहाँ 125 क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ 5 पुट किया क्योंकि इसकी वैल्यू यही है, 3 5 में 15, 15 वहां जाकर माइनस, हमारे पास आंसर आया 110, यानी 27 प्लस 1 ओवर 27 x क्यूब इज इक्वल टू 110। ओके जी, इसी तरह बेटा जी माइनस का क्वेश्चन है, माइनस में भी हमने 5x माइनस 1 ओवर 5x, 5x माइनस 1 ओवर 5x इज इक्वल टू 6, ये फार्मूला है, ये वैल्यू दी हुई है, इसका क्यूब लेंगे तो फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और x फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया, हमने क्या किया 216, 6 का क्यूब 216 होता है, ये 5x 5x से कैंसिल, यहाँ उसकी वैल्यू पुट की 18 वहां जाके प्लस हो जाएगा 234 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है फैक्टराइज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस x प्लस y, यानी इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना, हमने क्या करना है, हमने इसकी जगह इसका फार्मूला ओपन कर दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स माइनस वन, माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों से, तो एक्स माइनस वन, माइनस वन से बना दिए कि साइन कॉमन ले लिया माइनस का, तो जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था प्लस हो गया, सिंपल। अब एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया और सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन। ठीक है जी, इस तरह ही सेकंड क्वेश्चन इसका 2x 8x क्यूब माइनस 1 ओवर 27 y क्यूब, फार्मूला बेटा ये सिंपलीफाई करना, फार्मूला ही है, किसका फार्मूला, a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला ओपन कर देंगे, ये देखना जरा, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a क्या है 2x और b क्या है 1 ओवर 3y, इसका स्क्वायर लिया 4x आ गया, ये दोनों 2x ओवर 3y और ये 1 ओवर 3 9y का स्क्वायर, फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ एक फार्मूला करना है क्यूब वाला, जिसमें जो हो गए हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोली मैंने, फाइंड प्रोडक्ट विद यूजिंग फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y के 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ये है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये बना x के, हाँ यहाँ x के जो है वो स्क्वायर की शक्ल में है, तो उसका क्यूब आ जाएगा, और y भी स्क्वायर की शक्ल में, तो उसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पास में लगी, तो इसका मतलब ये बना x 6 y 6, और रेफरेंस के तौर पर उसने फार्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ गया जी x क्यूब वाला, यानी x क्यूब माइनस y क्यूब x 6 प्लस y x क्यूब y क्यूब प्लस y 6, इसका मतलब ये x क्यूब का क्यूब है, x क्यूब का क्यूब है, यानी x इस वक्त क्यूब की शक्ल में, और इसका ये फार्मूला कंप्लीट भी कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ x क्यूब का क्यूब है, यानी यहाँ x अकेला नहीं बल्कि x क्यूब की शक्ल में है, तो x अगर x अकेला होता तो हम लिखते हैं x क्यूब, अब यहाँ x क्यूब है x क्यूब का क्यूब, तो बनेगा x 9 माइनस y का 9, फार्मूला यहाँ गिवन है, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है जी, इसका थर्ड पार्ट क्या है, x माइनस y x प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर, ये सिंपल सा बड़ा सवाल है लेकिन है बड़ा, हमने क्या करना है, हमने जो मिलकर आपस में दो वैल्यूज फार्मूला कंप्लीट करते हैं उनको इकट्ठा करना है, x माइनस y कंप्लीट करेगा इसके साथ, जहाँ मेरा कर्सर जाता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की। ठीक है जी, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया, और ये बना एक्स स्क्वायर का क्यूब, वो यहाँ एक्स की शक्ल में स्क्वायर की शक्ल में। ठीक है जी, तो ये एक्स स्क्वायर की शक्ल में, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब,
x6 y6 आ गया, और यहाँ भी x6 - y6 आ गया। अब यहाँ एक नया फार्मूला बन गया, a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बना है x12 y12। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद (2x²-1)(2x²+1) ये आएगा बेटे 4x की 4 + x², ये मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूँ भी, (+2x²+1)(4x²-1)। अब ये देखना, जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। ये भी फार्मूला क्यूब का ही है, तो ये लेकिन वैल्यू स्टिल डिफरेंट, यानी ये बनेगा 2x² का क्यूब और 1 का क्यूब, और 2x² का क्यूब + 1 का क्यूब। हमारे पास आएगा 8x6, यानी 2 का क्यूब 1 6 8 होता है ना, और x² का क्यूब होता है 6x - 1 8 6 + 1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a + b और a - b किसके इक्वल होते हैं जी, a² - b² उस फार्मूले के तहत इनका स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास आंसर आया 64x12 - 1। दोबारा देखें ये बेटा 2x² - 1 जो है ये है एक्चुअल में a - b, तो a किसके साथ अटैच होगा, a² + ab + b के साथ, और यह है a + b, तो यह किसके साथ अटैच होगा, a² - ab + b². ठीक है जी, इसी को इकट्ठा किया, फार्मूला कंप्लीट किया हमारे पास यहाँ था। ठीक है जी, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 4.2, उम्मीद है आपको पहले से भी आती होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 4.3 का देता चलूं। डिफाइन सर्ज, सर्ज क्या होते हैं, एन इरेशनल रेडिकेंट विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ज। रैशनल रेडिकेंट, रेडिकेंट से मुराद है जो मजजूर, यानी जिसका जजर होता है वो रैशनल होता है, सारी बात उसमें कोई भी वैल्यू होती है 3, 4, 5, 6, वो रैशनल नंबर होते हैं। हाँ, जब उसका रेडिकल अप्लाई करें तो वो इरेशनल में कन्वर्ट हो जाए। इसका रेडिकल को क्या, यानी इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड सर्ड। ठीक है जी, ऐसे वैल्यूज होती हैं जो लाइक 3 का स्क्वायर रूट है, अब 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, बाद में समझ आएगा नहीं, 7 का क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है, 10 का फोर्थ रूट पॉसिबल नहीं है, दीज आर कॉल्ड सर्ड। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट है वो सर्ड नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल नहीं, वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट होता है। स्क्वायर रूट लें तो रैशनल नंबर ही कन्वर्ट होगा, वो सर्ड नहीं होगा, और अगर इरेशनल में चला जाए तो ये सर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्ड्स का टॉपिक है, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर इतनी सिंपल डेफिनेशन बच्चे फिर भी गलत कराते हैं। डेफिनेशन लिखे, लिखने के साथ उसकी एग्जाम्पल देते हैं और आपकी मार्क्स 2 पूरे आ जाएंगे। बात में लगी, अब इसकी सिंपल क्वेश्चंस हैं थोड़े से, वो हम अगर कहते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। यानी चलो इसका एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सर्ड से यानी जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, सादा लफ्ज में समझा रहा हूँ, जितना भी रूट हो वो पॉसिबल ना हो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस तरह 180 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो 2 और 3 बाहर आ गए, 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर नहीं था इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहा, तो ये आया 6 × यानी कैलकुलेटर पर अप्लाई करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। यहाँ हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए बड़े आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले, 6 × 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह 162 है, 162 को फैक्टराइज किया, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये 3 के 2 स्क्वायर आ गए, 3 बाहर आ गया, 27 √2। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आप बड़े आराम से छोटी क्लास में भी करके आए हुए हैं। अब 128 को फैक्टराइज किया और 1/3 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, और ये हमारे पास आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 की 3 2 की 3, क्योंकि 7 दफा है तो 2 3 3 हो जाएंगे, 3 3 क्यों बनाया यहाँ, क्योंकि बाहर पावर भी होल पावर 1/3 है, कटिंग फिर होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 के ऊपर क्यूब रूट वैसे का वैसे रहेगा, ये दोनों के ऊपर खत्म हो जाएगा, तो बाहर आया 4 4 4 से कैंसिल, तो 3 × 3 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है जी, इसका फोर्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आया हुआ है, 96 x 6 y 7 8 फिफ्थ पार्ट। बेटे याद रखे, अगर क्यूफियर रूट जो भी होगा ना, उसके इंडेक्स में जो पार होगी अंदर भी उन वैल्यूज की, अगर वो पार बनेगी तो सिंप्लीफिकेशन होगी, दरवाजा नहीं। ठीक है, 96 को फैक्टराइज किया तो 2 की 5 ज़रब 3 और x6 y 7 is 8, हमने क्या किया, x की 5 और x की 1 को अलग कर दिया, y की 5 y की 2 को अलग कर दिया, z की 5 z की 3 को अलग कर दिया, और होल पावर 1/5,
वो इससे मल्टीप्लाई हुई, जिनके पास 1/5 बचा वो हमारे पास रूट में रहेंगे, यानी 2xyz बाहर आ गया, 3x की पावर 1/5 और 2 5/5 z की पावर 3/5, यानी ये बन गए, इनके ऊपर ये सिंपलीफाई नहीं हुआ तो ये बना फिफ्थ रूट किसका, 3xy² का, क्योंकि ऊपर 2 है y के, ये देखना ये 2 है ना, ये रेडिकेंड की पावर, ये 3 है ये रेडिकेंड की पावर, रेडिकेंड क्या है z और y, उनकी पावर ऊपर रहेगी और ये फिफ्थ रूट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे और आपने कोशिश करनी है 4.2 की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें और उम्मीद है कि आप लोग सब प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। और बेटे खुदारा बाहर ना निकले, अपनी तैयारी करें, और कुछ बच्चों का मुझे पता लग रहा है कि वो लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे और सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, तो बेटे इंजॉय करने से, लेक्चर को सिर्फ देख लेने से समझ नहीं आती, उसका सुनना उसको, और बेटे ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, एक चीज की आपको समझ नहीं आई, टीचर फ्लो फ्रिक्वेंटली बोल गया, तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो लेम एक्सक्यूज ना दें बल्कि इसको तैयार करें अच्छे तरीके से। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।